आमतौर कोई गाना हम जानते हैं तो गायक, लिरिसिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर को हम जानते हैं, लेकिन एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ जो जुड़े हुए कलाकार होते हैं उनके बारे में आमतौर हम लोग ज्यादा नहीं जानते थे। लेकिन पीछे 10-15 सालों से कम पंचमदा से जुड़े हुए सभी म्यूजिशियंस को हम लोग जानने लगे हैं, जिनमें आज मनोरिधा हमारे साथ नहीं है, जिनको बहुत लोगों ने सुना है। और मेरा ऐसा मानना है कि मनोरिधा आरडी बर्मन के म्यूजिक के 3 पिलर्स थे, बासुदा, मनोरिधा और मारुतिराव कीर। और ये अजीत ही है जो दिमाग से नहीं लेकिन दिल से प्रोग्राम करता है, इसलिए ये सब म्यूजिशियन को हमने सुना है, लेकिन मारुतिराव कीर जो पंचमदा की रिदम के आविष्कारों को अंजाम देते थे, रिदम अरेंजर के तौर पर सभी आज हम आरडी बर्मन के गीत सुनते हैं तो सब इंस्ट्रूमेंट क्लियर सुनाई देते हैं, उसके पीछे मारुतिराव कीर जी की रिदम अरेंजमेंट का बड़ा हाथ था। और मारुतिराव कीर जी 2001 में पुणे में हमने उनको सुना था और 11 जनवरी 2005 को वो पंचमदा से मिलने के लिए ऊपर चले गए। तो अजीत ने इस बार सोचा कि मैं सब म्यूजिशियंस को याद करता हूं तो मारुतिराव कीर को क्यों नहीं, इसलिए उसने अपने दिल से 22 जनवरी को जो प्रोग्राम किया है, क्योंकि 11 जनवरी को मारुतिराव चल बसे थे तो उनके स्मृति में 22 जनवरी को प्रोग्राम का आयोजन किया है। मारुतिराव कीर जी एक बहुत अच्छे तबला प्लेयर थे जिन्होंने एसटी बर्मन के साथ आइकॉनिक सॉन्ग्स में तबला बजाया है, जैसे पूछो ना कैसे मैंने रेन बिताई, पिया तो से नैना लागे या होठों पे ऐसी बात। तो लेकिन मुझे क्रिकेट ढाके प्रस्तुति अट्रिब्यूट टू श्री मारुतिराव कीर, ग्रेटेस्ट रिदम अरेंजर ऑफ बर्मन्स। स्वागत करते हैं आज की इस एक अलग म्यूजिकल संध्या में। संगीत की दुनिया में अनगिनत कलाकार हुए हैं, उन सब का योगदान हम सबके जीवन में और संगीत में रहा है। बर्मन घराने के बड़े बर्मन साहब यानी दादा बर्मन और पंचमदा यानी द प्रिंस और किंग कहेंगे राहुल देव बर्मन साहब, इन दोनों के साथ, इनके रिदम के साथ और इनके कंपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा नाम श्री मारुतिराव कीर। आज उन्हीं की संगीत रचना, उनकी रिदम रचना पर आधारित गीतों की यह संध्या समर्पित करते हैं हमारे देश के, महाराष्ट्र के इस महान कलाकार को, अट्रिब्यूट टू श्री मारुतिराव कीर। सुन रे बंधु रे, सुन मोरे मितवा, सुन मोरे साथी रे, सुन मोरे बंधु रे,
नाद ब्रह्म, नाद सौंदर्य, ताल अंतरनाद। तबले के कई नाद लहरियों से अलग अलग रिदम के सांस पर थिरकते हुए उंगलियां। महाराष्ट्र के कोकण विभाग में समुन्दर के किनारे बसी रत्ननगरी यानी रत्नागिरी। इस रत्नागिरी के मीराबंदर गांव में मारुतिराव जी का जन्म हुआ। गांव में भजन, कीर्तन, भावगीत, नाट्य गीत बजाने में उनका बचपन गुजर रहा। मात्र 10 वर्ष की उम्र में कला का शास्त्रीय ज्ञान लेने की चाहत उन्हें मुंबई ले आई। मुंबई आने के बाद बड़े बड़े तबला नवाजों के पास तबले की शिक्षा मारुति राव जी ने प्राप्त की। उस जमाने में स्वतंत्र तबला वादन मारुति राव जी बखूबी से पेश करते थे। उन्हीं दिनों मशहूर संगीतकार बसंत प्रभु जी के साथ उनकी मुलाकात हुई। उनके कई मराठी फिल्मी गीतों को मारुति राव जी ने अपने रिदम से सजाया। परमंदा यानी सचिन देव बर्मन जी, इन्हें मिलने के बाद मारुति राव जी को अपनी कला और टैलेंट दिखाने का सही मौका मिला। वहीं से पंचमदा यानी आरडी बर्मन जी, इनके साथ मारुति राव जी की दोस्ती और संगीत का एक शानदार सफर शुरू हुआ। मारुति राव कीर यांचं नावच एवढं मोठं आहे की इंडस्ट्रीमध्ये कोणालाही विचारलं रिदम तर प्रथम ज्यांचं नाव येणार ते मारुति राव कीर। मारुति राव जी जब आए हैं इंडस्ट्री में और उन्होंने बर्मनदा और पंचमदा के साथ खासकर जो काम किया है और वहां पे जो उन्होंने पॉलीरिदम, जिसका मतलब है कि एक रिदम एक मीटर में जा रहा है और उसके साथ एक दूसरा रिदम आके उससे मिलता है और एक तीसरा रिदम भी आके मिलता है और वो अलग अलग रिदम है लेकिन जो मिलकर एकजुट होकर जो एक पैटर्न बनता है, जो एक रिदमिक साइकिल बनती है, जो एक ठेका बनता है, उसका जो मजा है ये हमें मारुति राव जी ने सिखाया है। और आज इसी सफर का हम लाइव यहां पर आनंद लेंगे श्री मारुति राव कीर साहब की इस स्मृति संध्या में। जैसे कि आपने अभी सुना और जानते हैं कि रत्नागिरी महाराष्ट्र के हमारे ये कलाकार तबला, ढोलक, ढोलकी, इनके तो पहले से ही माहिर थे। मुंबई शहर में आने के बाद और बर्मनदा की टीम में शामिल होने के बाद और भी महान पंडितों के साथ उन्हें सीखने का मौका मिला और सिर्फ तबला, ढोल, ढोलक के साथ लिमिटेड न रहते हुए उन्होंने जितने भी अलग अलग प्रकार के ताल वाद्य हैं, परकशंस हैं, वेस्टर्न रिदम्स हैं, उन सब का अध्ययन किया, बहुत अच्छी स्टडी की और पहले से ही रिदम के लिए कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जबरदस्त पैशन था और उसी पैशन से उनके दिमाग में भी आइडियाज आने लगे और उनकी आइडियाज, उनकी अरेंजमेंट की आइडियाज को बड़े बर्मन साहब और पंचमदा दोनों बहुत ही रेस्पेक्ट करते थे और इसीलिए पंचमदा की सबसे पहली फिल्म जो बनने वाली थी राज गुरुदत्त साहब की, वो फिल्म जो उन्होंने शुरुआत करके बाद में उन्होंने शेल्फ कर दी, उसमें भी जो दो गाने रिकॉर्ड हुए थे उस वक्त भी उनके रिदम अरेंजर थे वन एंड ओनली मारुति राव कीर साहब। और फिर जब ऑफिशियली पहली फिल्म छोटे नवाब आई तब भी अर्थात यही वो टीम वहां से बन गई, मनोरिता, वासुदा और मारुति राव जी और तमाम सारे म्यूजिशियंस। तो आइए शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, छोटे नवाब के और पंचमदा के जीवन के इस सबसे पहले रिलीज फिल्म के गाने से। लता जी की आवाज में सजाए गीत हम सभी बहुत पसंद करते हैं। इस गीत के बारे में आज भी चर्चाएं होती हैं, ऐसी रिदम की अरेंजमेंट इस गाने में है, सिंपल बट हार्ट टचिंग। आइए एंजॉय करते हैं। प्रियंका मित्रा से मैं गुजारिश करूंगा, स्वागत करते हैं प्रियंका का। मोरा जी आधा
छोटे नवाब के इस गीत से शुरुआत की है। बहुत ही सूदिंग ये गाना, लता जी की आवाज और मेनली तबला का ये रिदम है। लेकिन इस महफिल में अब ऐसे गाने आते जाएंगे जिसमें कुछ गाने ऐसे जिसमें इतने इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए हैं कि आज भी, आज के मॉडर्न जमाने में भी ये लोग सोच में पड़ते हैं कि जब ट्रैक्स, आज अनलिमिटेड ट्रैक्स अवेलेबल होते हैं, तब भी इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करना एक चैलेंज है। उस जमाने में एनालॉग और एकॉस्टिक रिकॉर्डिंग के जमाने में इन्होंने ये कैसे किया होगा। और पंचमदा की क्रिएटिविटी, अनलिमिटेड क्रिएटिविटी को उनकी टीम ने पूरा साथ दिया। म्यूजिक का, भारतीय फिल्म संगीत का पूरा सिलेबस ही पंचमदा ने बदल दिया। इससे पहले कभी कॉर्ड्स और कॉर्ड्स प्रोग्रेशन और रिदम पैटर्न्स, मेलोडी पैटर्न्स, स्टाइल्स इस तरह के ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुए थे, लेकिन ये सारा पहली बार पंचमदा ने लाया। कई नए रिदम इंस्ट्रूमेंट्स पंचमदा ने लाए जिसमें उनकी सारी टीम मेंबर्स, चाहे वो मनोरिदा हो या मारुतिराव साहब हो, ये सारे लोग शामिल होते थे। जहां जहां टूर के लिए जाते थे वहां उस देश का वाद्य वो लेकर आते थे। म्यूजिक में क्रिएटिवली दुनिया बदलने वाले पंचमदा अपने स्कूल जीवन में दो बार फेल हो गए थे, लेकिन उनके पिताजी की यानी दादा बर्मन साहब की प्रतिक्रिया ये थी कि जैसे ही पंचमदा फेल हुए, उन्होंने उनको रेसिंग की साइकिल दिला दी। उन्हें पता था कि ये लड़का रेस में अलग निकलने वाला है, सबसे आगे निकलने वाला है। और यही पहचान उस पिता की है, दादा बर्मन, सचिन देव बर्मन साहब। उनकी संगीत रचना मेरी सूरत तेरी आंखें से सुनते हैं। अहिर भैरव पर मुख्य रूप से आधारित ये गाना है और इसमें भी क्लासिकल संगीत के साथ जो रिदम अरेंजमेंट है, मारुति राव साहब का हाथ उसमें है। सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। मन्ना दा की आवाज इसे पेश कर रहे हैं आज के रंगमंच की दुनिया के आप सबके प्रिय गायक सागर सावरकर।
पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते मोहे नींद न आए। पूछो न कैसे मैंने बिताई, उत्जल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। उत्जल दीपक इत मन मेरा, मन मेरा मेरा। उत्जल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का क्लासिकल गानों की शुरुआत है। एक और नायाब नगीना आपके सामने आ रहा है, लेकिन उससे पहले दो ऐसे दिग्गज व्यक्ति मारुति राव जी के बारे में, पंचम दादा बर्मन की इस टीम के बारे में क्या कहते हैं, यह इस स्क्रीन पर देखते हैं। माननीय श्री अशोक पत्की साहब और तौफिक साहब। मारुति राव कीर यांचं नावच एवढं मोठं आहे कि इंडस्ट्रीमध्ये कोणालाही विचारलं रिदम तर प्रथम ज्यांचं नाव येणार ते मारुतीराव की। मारुतीराव जी जब आए हैं इंडस्ट्री में और उन्होंने बर्मनदा और पंचमदा के साथ खासकर जो काम किया है, और वहां पे जो उन्होंने पॉलीरिदम, जिसका मतलब है कि एक रिदम एक मीटर में जा रहा है और उसके साथ एक दूसरा रिदम आके उससे मिलता है और एक तीसरा रिदम भी आके मिलता है, और वो अलग अलग रिदम है लेकिन जो मिलकर एकजुट होकर जो एक पैटर्न बनता है, जो एक रिदमिक साइकिल बनती है, जो एक ठेका बनता है, उसका जो मजा है ये हमें मारुति राव जी ने सिखाया है। क्या बात है तौफिक साहब और अशोक जी। ऐसी बात दादा बर्मन के संगीत रचना के बारे में, जिसमें मारुति राव जी का अर्थात रिदम में बहुत बड़ा हाथ था, सज्जाद हुसैन साहब जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही क्रिटिक रहे हैं वो, और वो भले भले लोगों के बारे में कुछ ऐसे बोल देते थे कि डर लगता था, क्योंकि बहुत ज्ञानी थे। आदरणीय लता जी भी कहते थे कि जिनकी कंपोजिशन और जिनकी रिकॉर्डिंग के लिए जाने के लिए बहुत डर लगता है, ऐसे महान संगीतकार सज्जाद साहब। उन्होंने दादा बर्मन जी की इस रचना के बारे में कहा था कि कमाल की ये कंपोजिशन है, और लता जी की आवाज के बारे में क्या कहें, ऐसा लगता है कि हर एक सुर को कील मारकर वहीं पे रुका दिया है, इतने शुद्ध सुर वहां पर नजर आते हैं। सज्जाद हुसैन साहब के मुख से ऐसे शब्द जिस गाने के लिए आए, वो गीत सुनते हैं
मारुति राव जी को, दादा बर्मन जी को, इन सबको याद करते हैं और ये खूबसूरत नगमा पेश करेगी, तिरकिट धा का अविभाज्य अंग है। प्लीज वेलकम शैलजा सुब्रमण्यम। ऐसे लिरिक्स भी थे इसलिए इन गानों में इस तरह की रचना बनती थी। मेघा छाया आधी रात, नींद नहीं आती है, कैसे रात बीतेगी, इतनी इनोसेंट चिंता उस वक्त लोगों को, हसीनाओं को हुआ करती थी। अब ऐसा है कि सुबह के 5 बजे तक पार्टी यहाँ चालू है, इस तरह के गाने हैं, तो वहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट करने का कोई मौका नहीं है, तो जो भी एक्सपेरिमेंट है
वो लोग अपने आप ही करते हैं। इस विषय में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ये बताने में कि आज की इस म्यूजिशियंस की टीम में जितने भी कलाकार हैं उन्होंने किसी न किसी मोड पर आदरणीय मारुतिराव जी के साथ काम किया है, उनसे कुछ सीखा है। उनके तो एक पट शिष्य यहां पर हाजिर हैं, विजय शिवलकर साहब, वो भी कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे। उनके साथ प्रसाद हैं, प्रसाद मालनकर, आज रिदम सेक्शन के सारे हमारे हीरोज हैं। और क्योंकि आज रिदम पर आधारित मारुतिराव जी के अरेंजमेंट पर आधारित एक फोकस है, गाने तो बर्मन्स के ही है तो हम एंजॉय करते ही हैं। आइए तिरकिट धा की इस प्रस्तुति में अब एक डुएट जिसके बोल थोड़े से आज के जनरेशन और सबको अच्छे लगे, ऐसे थोड़े से रोमांटिक बोल है। शुरुआत के चार पांच क्लासिकल हैवी डोज के बाद शायद अगर किसी को लगा हो कि PhD चल रही है, तो आइए चलते हैं, SSC में आते हैं या कॉलेज के कैंटीन में चलते हैं। फिल्म सागर का गाना आ रहा है और जावेद अख्तर साहब का अंदाज वहां पर है। और प्रियंका मित्रा से गुजारिश करूंगा और गुजारिश करूंगा तिरकिट धा के सारे बोलों के साथ सिनोनिमस हो गए हैं डॉक्टर अजित देवल। प्लीज वेलकम अजित एंड प्रियंका।
I wanted to ask Ajit, but I'll ask after the show. Do you sing this song while operating a patient? तुम बोलते हो आओ ना पास आओ ना हाथ में कैंची लेके और पेशेंट बोलते हैं जाने दो जाने जाने दो ना तो ये कहीं ना कहीं म्यूजिक उनकी लाइफ में इस तरह से आ गया है. मारुतिराव कीर साहब के रिदम अरेंजमेंट के साथ सजे हुए आज की इस महफिल में तिरकिट धाम में अब एक ऐसा गीत आ रहा है कि सही माने में क्लासिकल गाने के साथ कितना एक एंजॉयमेंट हो सकता है. चेहरे पे स्माइल आएगा, हंसी आएगी, मजा आएगा. एक तरह से ह्यूमर भी है, एक तरह से एक लाइट माहौल है. और ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्म खूबसूरत की हर बात खूबसूरत है, चाहे वो रेखा जी हो या फिर सबकी अदाकारी हो, चाहे वो दीना पाठक जी हो, दादा मुनी हो, सारी चीजें जो है ऋषिदा की फिल्मों में इस तरह से बिल्कुल सामने आती थी और पंचमदा उसका हमेशा अविभाज्य अंग रहे हैं. इस पर्टिकुलर गाने के लिए जिसमें दादा मुनी ने भी अपनी आवाज एक तरह से रैप जो उस जमाने का हम कह सकते हैं उस पर तबले के बोल के साथ बोलने के लिए प्रैक्टिस करवाने के लिए चेंबूर में दादा मुनि के घर मारुतिराव जी खुद जाते थे. 4 दिन गए, प्रैक्टिस करवाई और फिर जब रिकॉर्डिंग में मजा आ गया तो आइए विजय शिवलकर जी और शैलजा पेश करेंगे फिल्म खूबसूरत का यह अंदाज. Yeah.
मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वंस मोर, क्योंकि बहुत सारे गाने हैं, अगर आपको बाद में दुख हो जाएगा कि कोई और, नहीं मैं बिल्कुल समझता हूं, और वंस मोर के बारे में एक बहुत बड़ा भयंकर परिणाम हमने देखा है, वंस मोर करने की वजह से आदरणीय इंद्राणी मुखर्जी ने जो मतलब एक आज सारे के सारे जो है वो विल मिस आउट ऑन लवली नंबर्स, हम्बल रिक्वेस्ट, और नेक्स्ट गाने में अगर वंस मोर होगा तो लेंगे राइट नाउ. बाड़ो ग्रेट नेक्स्ट सॉन्ग. एंड शैला जी वंस मोर हाजिर है आपके सामने विद वन मोर, और अजीत से रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर अजीत देवल, और ये देव साहब का जब अंदाज है, देव साहब पर्दे पर अपनी हीरोइन के साथ इश्क फरमा रहे हैं, तो फिर दादा बर्मन और साथ में पंचमदा और ये सारी टीम के लिए बड़ा चैलेंज होता था कि उस सुपरस्टार के स्पीड के साथ, क्योंकि वो सारी दुनिया के रिदम के आगे चलने वाला सुपरफास्ट कमाल का इंसान था, उसी के रिदम के साथ चलने की ये कोशिश है. उम्मीद है आपको पसंद आएगी. और उससे पहले ये छोटा सा ऑडियो विजुअल हम देखते हैं. जब रिकॉर्डिंग नहीं होता था तो सुबह सिटिंग में सुबह 9 बजे बुलाते थे हम लोग को, मारुति जी सुबह 9 बजे आके बैठ जाते थे. मैं, चंद्रकांत, अमरू, ओमी, देवी चंद, हम लोग सब बैठते थे और बताते मारुति जी इसको ये बोलते ऐसा ऐसा बजाने का, ये ऐसा. अब तेरा इंस्ट्रूमेंट जो है तो देख आफ्टर बीट पे बजाएगा, आफ्टर बीट ऐसा होता है, ऐसा करके सिखाते कितना भी बजवाया मारुति जी ने, जो भी किया मेरे लिए, बस अभी तक वही खा रहा हूँ. ऐसा लगता था कि कुछ पंचम का ग्रुप नहीं है, पंचम की फैमिली जैसा, फैमिली मेंबर है ना, दोस्त लोग है, ऐसे हम लोग काम करते थे, बहुत मजा आता था ना. सुनने में बहुत आसान लगता है पर लोकप्रियता के इस गणित तक पहुंचने में किसी किसी का आधा करियर निकल जाता है. जो समझ रहे हैं वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं. Thank you.
सागर और प्रियंका से गुजारिश करूंगा कि एक ऐसा डुएट वो आपके सामने पेश करें जिस डुएट से एक आपके ही दिल में उस माहौल को वो निर्माण कर सके. कैन वी हैव सागर एंड प्रियंका. मैं चाहूंगा आज जो है लोकसभा से ज्यादा राज्यसभा लग रही है, लेकिन यहाँ पे जीएसटी पास आप करेंगे मुझे यकीन है. यहाँ पे कोई बिल रुकने वाला नहीं, क्योंकि कोई दिल रुकने वाला नहीं है. बिल की क्या बात है, तो एक बार वही जोरदार तालियां इन सब के लिए. सागर एंड प्रियंका. Thank you.
और इस गाने में बहुत से रिदम पैटर्न के साथ परकशन आपने देखा, दीपक बोरकर साहब वो खूबसूरत अंदाज में मटका बजा रहे थे। सारी रिदम टीम इसमें शामिल थी, लेकिन मटका जैसे इंस्ट्रूमेंट को भी एक प्रोमिनेंस, हर एक परकशन इंस्ट्रूमेंट को अपनी एक अलग सोलो पहचान देने का काम जो है इस टीम में हुआ, और ये मारुति राव जी की क्रिएटिविटी थी जिसके लिए पंचमदा की तरफ से पूरी लिबर्टी उनको मिलती थी। ये सारे लोग आइडियाज ऐसे शेयर करते थे कि ऐसे गाने बने हैं कि आज हम उनको याद कर रहे हैं और दिल कितना भी पुकारे काश वो आ जाते, लेकिन आज बस उनके गाने हमारे पास हैं, हम सुनते हैं और हम भाग्यशाली हैं कि रेस्पेक्टेड केरसिदा जैसे हमारे गुरुतुल्य व्यक्तित्व सामने बैठे हैं। अ वेरी वेरी बिग हैंड फॉर वन एंड ओनली द लॉर्ड ऑफ म्यूजिक एंड अरेंजमेंट केरसी लॉर्ड सॉब। आइए एक ऑडियो विजुअल जिसमें केरसिदा और हमारे होमी मुलन साहब जिनको कुछ ही अरसे पहले अभी हाल ही में हमने खोया है, उनको एक श्रद्धांजलि हम सबकी ओर से, और अशोक जी ये सारे एक बात बता रहे हैं। मारुति कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगाता था, बोंगो तुम्बा कुछ भी, तो ऐसा ही बजा रहा था कि 100 साल से बजा रहा है वो, इतना वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंटलिस्ट था वो। पंक्चुअलिटी इतना था उनका कि 9 बजे का टेक होगा तो 9:45 बजे जाके स्टूडियो में बैठ जाते। वेगवेगळं रिदम करण्याची त्यांना आवड होती, प्रयोग करायचे त्याच्यामध्ये, आणि त्यांचं नशीब म्हणा किंवा त्यांच्याबरोबर ते होते, त्यांचं नशीब म्हणा म्हणजे SD बर्मन RD बर्मन यांच्यावर ते सहाय्यक म्हणूनही होते, रिदम कंपोजर म्हणून होते, तर त्यांचं नशीब समजूया आपण पाहिजे तर। पण ते असा ग्रुप जमलेला होता की प्रत्येक गाण्यामध्ये काय नवीनता आणता येईल रिदममध्ये असं ते प्रयत्न करायचे, आणि त्याच्यामध्ये सक्सेसफुल झाले ते। इन दिग्गजों के शब्द हम कितने भी सुने तो हमें और भी उसकी आस रहेगी। इनके शब्दों के साथ कुछ ऐसे ही ऑडियो विजुअल्स भी तिरकिट धा ने आपके लिए आज के इस महफिल में आयोजित किए हैं, छोटी छोटी यादों के साथ, गीतों के साथ, और एक बहुत खूबसूरत डेमो सेशन भी हम करने वाले हैं जिसमें हर एक इंस्ट्रूमेंट की जो महारत है वो हमारे म्यूजिशियंस यहाँ पर पेश करेंगे। और अब अजित और शैलजा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस डुएट के लिए, इसमें तुम्बा का जो खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है, और सबसे खास बात है कि ओनली एंड ओनली द ग्रेट RD बर्मन जिनके म्यूजिक में पहली बार तुम्बा नाम का इंस्ट्रूमेंट आया, वेस्ट इंडीज में इस टीम ने देखा, और मारुति दा को पंचम दा ने कहा कि ये जो लोग बजा रहे हैं ये कैसा लग रहा है आप बजा के देखना, तो जब मारुति राव जी ने वहां पे वो बजाया तो वहां के लोग भी बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि हाथ क्लासिकल था और भारतीय परंपरा वाला वो हाथ था, और तुम्बा पे बजा तो कुछ कमाल ही वहां से आवाज निकली। वो लेकर आए, बहुत से गीत सजे, उन्हीं में से ये हमने चुना है। तेरी साथ तेरा हाथ, हाँ मुझे, हाँ मुझे।
हमें इस तरह ना ठुकरा ज़ालिम आशिक है हम तेरे नाम के ये गाना हम तुम्बा के बगैर इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते. समित पेडनेकर. आज के रंगमंच और रिकॉर्डिंग के तुम्बा के अमिताभ. तुम्बा में हम सबके बाप होते हैं. तुम्बा में हम सबके बाप होते हैं. नाम है समिताभ. भाई ये एक से एक बढ़कर रिदम सेक्शन आज हीरो है. तो मैं चाहूंगा रिदम सेक्शन के लिए कड़क तालियां होनी चाहिए, क्योंकि तालियों का रिदम भी एक तो रिदम है. मारुति राव साहब को हम अगर श्रद्धांजलि दे सकते हैं तो ये रिदम जो है पूरे शो में ऐसा होना चाहिए कि सचमुच आज उनकी आत्मा तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए. दिस इज द लव ऑफ ऑल ऑफ यू. और इसीलिए तिरकिट धाम में आज मारुति राव साहब की याद में ये जो महफिल सजी है. क्लासिकल गीत का फिर से आनंद लेते हैं, लेकिन एक ऑडियो विजुअल में एक और क्लासिकल गीत जो हम लाइव नहीं पेश करें उसकी छोटी सी झलक, और उसके बाद सागर आ रहे हैं एक अंदाज लेकर. दे 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 कट दे 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 कट दे 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 तक दुम कट तक धा दे दे तक दुम कट तक धा दे दे तक दुम कट तक धा सा. Thank you.
मीठे बोल बोले बोले पायलिया मीठे बोल बोले बोले पायलिया मीठे बोल बोले बोले रे बोले पायलिया मीठे बोल बोले। और इन्हीं मीठे बोलों को अब एक लाइव अंदाज में सुनते हैं। गीत के शब्द हम सागर से ही सुनते हैं क्योंकि ये भी एक आप सबकी फेवरेट लिस्ट का गाना है। पेश कर रहे हैं सागर साहब। सदा भी सुन दी बाने तेरे
करे जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने तेरे नैना। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और